रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में तैनात जवानों से करी मुलाकात, कया देश रा स्वाभिमान से किसी भी हालत में नहीं करे जावेला समझौता। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट समेत 19 विधायका ने विधानसभा अध्यक्ष कानी सू भेजा गया नोटिस माते हो रही है सुनवाई। हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायका माते आज संजा 5 बजे ताई कार्रवाई नहीं करबा ने कया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कया राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीका से चुनी गई कांग्रेस सरकार ने गिराबारी हो रही है कोशिश। राज्य सरकार कानी सू ऑडियो टेप प्रकरण में एसओजी में दर्ज कराया गया मुकदमा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया कया राजस्थान सरकार ने कने बहुमत है तो वह क्यों कर रही है सियासत। हर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण रहा 159 नवा मामला आया सामने। मरीजों की संख्या पोगी 27,000 पार। संक्रमण से रिकवर हो बड़ा मरीजों की संख्या भी 20,000 पार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार मैं थारो घणो अभिनंदन। मैं नीतीश गोयल, ए अब खबरा विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर रा दौरा रहते आज लेह पुग्या। रक्षा मंत्री अठे सेना री टुकड़िया रो जायजो लियो और हथियारों रो निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री जवाना सु मुलाकात करी और वणा परिक्रम और जज्बा री सराहना करी। इन मौके अपना संबोधन में रक्षा मंत्री कया कि भारत इकलौता अस्यो देश है जो पूरा विश्व ने शांति रो संदेश दियो है, पर देश रा स्वाभिमान सु किनी भी हालत में समझौतो नी किए जावेलो और भारत री जमीन रो एक इंच टुकड़ो भी दुनिया री कोई ताकत नी छू सके है। सेना के जवानों के संबंध में युवा केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है बल्कि वह सचमुच भारत की आन बान और शान है। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। जो कुछ भी हुआ है भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट समेत 19 विधायका ने विधानसभा अध्यक्ष कानी सू भेजा गया नोटिस और मामला माथे आज सुनवाई हो रही है। इन बीच हाईकोर्ट राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे बागी विधायका माथे आज शाम 5 बजे से पहले कोई फैसला नहीं ले। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष इन विधायका से दोपहर 1 बजे तक जवाब देवा खातिर कहा है कि महेश जोशी जी की एप्लीकेशन पे डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हुई थी लेकिन उनको इसमें पक्षकार नहीं बनाया याचिका में तो इसलिए याचिका चलने योग्य नहीं है। उधर याचिकाकर्ता के वकील श्री हरीश सालवे ने यह कहा कि याचिका जल्दबाजी में पेश कर दी गई थी
अब हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे और कुछ प्रोविजंस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे, तो अब जब वो एप्लीकेशन पेश करेंगे तब आगे कोई कार्रवाई होगी। देखिए, याचिका तो दूसरे गुट के द्वारा लगाई गई है, क्या कहा और क्या हुआ में सिर्फ इतना सा है कि आज याचिकाकर्ता द्वारा समय लिया गया कि वो याचिका के अंदर संशोधन चाहते हैं। अब क्या संशोधन चाहते हैं, वायरी चैलेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते, अगर वायरी चैलेंज होते हैं तो एकल पीठ की जगह खंडपीठ के समक्ष जाएगी। कब वो संशोधन लगाएंगे और कब वो अर्जेंसी दर्शाते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि मैटर कब लगेगा। हमारी पिटीशन हमने लगाई है, फैसला माननीय अध्यक्ष के हाथ में है, कल सुनवाई है, क्या होता है ये कल ही पता लगेगा। कांग्रेस रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र रा माध्यम से चुनी कांग्रेस सरकार ने गिरावा रा प्रयास कराया जा रहा है। जयपुर में एक होटल में प्रेस ने संबोधित करता थका वणा इन संबंध में जारी ऑडियो टेप भी सुनाया। वणा विपक्ष माथे आरोप लगाया कि वह विश्वव्यापी कोरोना से लड़बा री बजाय जनता कानी से चुनी की सरकार ने गिरावा में लगी हुई है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक रे बीच ऑडियो टेप प्रकरण में कांग्रेस का निशु एसओजी में दर्ज कराई गई रिपोर्ट माथे कार्रवाई करता थका एसओजी दलाल संजय जैन ने हिरासत में लियो है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन संबंध में एसओजी ऑडियो री वॉइस टेस्टिंग ने लेयर जांच कर रही है। बहुत अच्छे से दूसरे श्री गजेंद्र सिंह का नाम है, तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि श्री गजेंद्र सिंह, ये जो गजेंद्र सिंह है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, और तीसरे कोई श्री संजय जैन। तो मैंने ऐसे जो मैंने कहा नियमानुसार कार्रवाई और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, ये नियमानुसार कार्रवाई में इनकी पहचान भी होगी। जो बात आप राजस्थान सरकार का मुख्य सचेतक महेश जोशी ऑडियो टेप प्रकरण में एसओजी में दर्ज करा गया दो मुकदमा ने लेर कहा कि सरकार ने गिराबा रा षड्यंत्र की जांच खातिर आ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वणा मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संबंधित ऑडियो जांच एजेंसी ने दे दियो गया है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया कहा कि राजस्थान सरकार ने कने बहुमत है तो वे सियासत क्यों कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बयान रे पछे अपनी प्रतिक्रिया माय वणा कहा कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो रो केंद्र बन गयो है और नेतावार रो चरित्र हनन करया जा रहा है, जबकि ये नेता उन्हीं पार्टी रा है। और कुर्सी बचाने की फिक्र कैसी होती है ये कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखे। बड़ा अजीब नजारा था, अपना घर टूटता देखकर कोई विक्ट्री का साइन बनाए। बड़ी विचित्र बात है कि आपसी लड़ाई का मोहरा भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेताओं पर। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास में। जी हां, विधायक ने तो इस बात को नकारा ही है, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, ताजुब है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को भी बिला वजह इसमें घसीटने की कोशिश हुई है। मैं ये मानता हूं कि एक तरफ कोरोना के प्रहार ने राजस्थान के लोगों के बीच में त्राई त्राई मचाई हुई है और दूसरी तरफ सरकार एक बार फिर से रिसोर्ट में बंधक और कैद होकर फुटबॉल खेल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि ये समय है कि सरकार अपने विवेक से इस बात का तो आकलन करे कि कोरोना की इस विभीषिका में, इस महामारी में राजस्थान की तमाम गतिविधियां ठप हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा, ये पता नहीं लग रहा सरकार है या नहीं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य ताजा राजनीतिक हालात माथे सचिन पायलट रो नाम लिए बिना कया के पार्टी रा कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी रे साथे मिलर सरकार गिरावा रा प्रयास कर रहा है। वणा आरोप लगाया कि इन खातर बड़ा स्तर माथे विधायका री खरीद फरोख्त की जा रही है। वठे पार्टी कानीसू आज दो विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा ने पार्टी री प्राथमिक सदस्यता सु निलंबित कर दियो गयो है। हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम से मन आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति मिले। प्रदेश में चल रहा सियासी घटनाक्रम रे बीच राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज दौसा में प्रेस से रूबरू होया। वणा कया के वे हमेशा संकट री घड़ी में लोगा रा काम आया है। 2003 में वसुंधरा राजे रो साथ दियो, 2008 में गहलोत सरकार ने 6 विधायक रे साथे समर्थन दियो। वणा कया के सचिन पायलट ने कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलियो बल्कि वणा रा स्वाभिमान ने ठेस पुगी। अस्या माए संकट री घड़ी में अब मैं वणा रा साथे है, वणा ने सम्मान मिले इन खातिर मैं वणा रो भाजपा में स्वागत करे है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सदा दूसरों की संकट में मदद करते आए हैं। वो सुंदरा जी की भी की, राजेश पायलट साहब की भी की, गहलोत साहब की भी की। अब चूंकि सचिन पायलट संकट में हैं और हमारे राजस्थान के बल्कि सारी ज़मीन दौसा में तैयार हुई है पायलट परिवार की, तो उनके अस्तित्व पर खतरा है। तो संकट की इस घड़ी में मैं, चूँकि मीणा समाज के 5 लोग उनके साथ, मीणा समाज मजबूती से कंधा लगा के उनके साथ खड़ा है, तो समाज खड़ा है तो मैं भी पायलट साहब के साथ खड़ा हूँ। संकट की इस घड़ी में उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उस विश्वास के आधार पर, पार्टी के सोच के आधार पर मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। लेकिन उनके बयान से ऐसा लगा क्यों भारतीय जनता पार्टी में नहीं आना चाहता। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण रहा 159 नया मामला सामने आया है। इन मिलार अब मरीजों की कुल संख्या 27,333 होगी है। स्वास्थ्य विभाग रसु अनुसार आज सबसे ज्यादा 32 संक्रमित बीकानेर जिला में पाया गया है। इनके अलावा नागौर में 26, जयपुर में 22, अजमेर में 16, भीलवाड़ा में 14, कोटा और झुंझुनू में 11, अलवर में 9, उदयपुर में 6, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक और झालावाड़ में 2-2 संक्रमित मिलिया है। वठे 12 और डूंगरपुर में 1-1 संक्रमित सामने आया है। इनके अलावा दूजा राज्यों से आया 2 और व्यक्ति भी पॉजिटिव मिलिया है। प्रदेश में कोटा में 2 और उदयपुर और सिरोही में 1-1 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। इनने मिलार प्रदेश में अब तक इन बीमारी से 542 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी कहानी, प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवर हो वाला मरीजों की संख्या भी 20,000 रे पार पुगी है। वठे कोरोना की गिरफ्त में आया 19,493 मरीजों ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब प्रदेश में 6,763 एक्टिव केस मौजूद है। वंदे भारत मिशन रे तहत 30 जुलाई ताई विदेशों से 13 उड़ाना रे जरिए प्रवासी राजस्थान आवेला। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बतायो कि प्रस्तावित 13 फ्लाइट्स में 4 कुवैत सू, 3 शारजाह सू, 2 बिस्केक सू और दोहा, अबुधाबी, दुबई और मस्कट सू 1-1 उड़ान जयपुर आवेली। वणा बताया कि काल ही शारजाह सू आई फ्लाइट में 177 प्रवासी जयपुर पुग्या है, जिन्हें जयपुर समेत विभिन्न जिला में संस्थागत क्वारंटाइन खातर भेजा गया है। दौसा जिला में कोरोना रो संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पिछला कुछ दिनों से जिला में लगातार बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलिया है। अस्या में विभाग कानी से अलग अलग टीमा बनाकर उन लोगों की सैंपलिंग प्रक्रिया शुरू करी गई है, जिनसु से संक्रमण फैलबारो खतरो ज्यादा है। कोरोना टीम रा प्रभारी डॉक्टर निर्मल मीणा बताया कि आज दौसा रा गांधी तिराहा माथे स्थित सब्जी मंडी से करीब 100 सब्जी विक्रेताओं सैंपल लिया गया और सब्जी मंडी में केमिकल रो छिड़काव कर सैनिटाइजेशन करियो गयो। हॉटस्पॉट चुने हैं जहाँ से सब्जी मंडी से जिस तरह से सुपर स्प्रेडर्स निकल के आ रहे हैं, एक लोग से इन्फेक्शन 5 जनों में 6 जनों में फैल रहा है, उस वजह से अपन को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ से रैंडम सैंपलिंग कराना जरूरी है। अपन ने रैंडम सैंपलिंग अनाज मंडी में भी करवाई है, फिर अपन ने जो अपने नाई वगैरह होते हैं वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग कराई है, तो वो इस चीज़ यहाँ से हम करवा रहे हैं, इससे सुपर स्प्रेडर्स छुप नहीं पाएंगे।
और इन्फेक्शन को अपन कंट्रोल करने में इसमें मदद मिलेगी। राज्य सरकार रा सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस जयपुर कानी सु एक नवा वेब पोर्टल री शुरुआत करेगी। वेब पोर्टल रो शुभारंभ तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग करेगा। एंड पोर्टल रे माध्यम सु इंजीनियरिंग रा पाठ्यक्रम माई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2020 रे लिए पंजीकरण करया जा सकेला। संस्थान रा उपनिदेशक संदीप गुप्ता बताया कि राज्य रा इंजीनियरिंग कॉलेज इन पोर्टल माथे 25 जुलाई तक पंजीकरण करा सकेला। वटे अभ्यर्थियों रा पंजीकरण प्रक्रिया 30 जुलाई सु शुरू होर 20 अगस्त तक चलेगी। और इस बार सरकार ने निर्णय भी लिया कि सारे एडमिशन्स जो हैं 12वीं के मार्क्स के आधार पर होंगे, जो कि एक बहुत ही उचित और न्यायपूर्ण निर्णय है। AICT अनुमोदित महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग में एडमिशन्स दिए जाते हैं, उसकी प्रवेश प्रक्रिया का आरंभ हो चुका है। और इस बार इस संस्था ने खुद का पोर्टल निर्मित किया है, विकसित किया है। जो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है वो 15/7 से शुरू हो गया है, 15 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये 27 जुलाई तक आरंभ रहेगा। साथ ही स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो 30/7 से आरंभ हो रहा है और 21/7 तक ये चलेगा। भारत पाकिस्तान सीमा माथे स्थित जैसलमेर जिला रहकरने अब जोधपुर जिला में भी टिड्डियां माथे हवाई हमला कर वणा नेस्ता नाबूद करिया जा रहा है। वायुसेना रा MI-17 हेलीकॉप्टर से टिड्डियां माथे केमिकल रो छिड़काव कर वणा ने खत्म करिया जा रहा है। इस वर्ष 3 मई से जोधपुर जिले में टिड्डी आना शुरू हुआ था और 17 तारीख तक लगातार रही थी। उसके बाद 4 दिन टिड्डी नहीं आई, इसके बाद लगातार आ रही है, तो उस समय से नियमित रूप से आ रही है और जहाँ तक अभी तक जानकारी मिल रही है आगे भी और काफ़ी मात्रा में आने की इसकी संभावना है। लोकस्ट कंट्रोल विभाग के पास गाड़ियाँ हैं जिनमें मेलाथियन 96% प्योर उसका छिड़काव किया जाता है। अभी जोधपुर में लगभग 13 गाड़ियाँ उनके पास उपलब्ध हैं, जहाँ भी टिड्डी आती है वो ले जा रहे हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी 2 बार अभी ट्रायल के लिए काम में लिया है। आज ये कापरडा के पास मतवालों की ढाणी, वहाँ पर करीब 4x4 किलोमीटर से बड़ा दल था, पीली मैच्योर टिड्डी थी, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का M-17 हेलीकॉप्टर आज काम में लिया गया। यातायात पुलिस जयपुर यातायात नियम में काफ़ी बदलाव करया है। जिनके तहत भारी वाहना ने रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे ताई ही शहर में एंट्री दी जावेली, वठा यातायात नियमों उल्लंघन करवारा चालान काटा जावेला। जयपुर यातायात पुलिस नोवा ट्रैफिक नियमों ने लेर लोगों ने जागरूक कर रही है। नया मोटर व्हीकल एक्ट, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट सितंबर 2019 में लागू हो चुका है, लेकिन इसमें जुर्माना राशि के जो प्रावधान हैं उस बारे में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है 8 जुलाई 2020 को। तो अब नए जो जुर्माना हैं वो प्रभावी हो चुके हैं 8 जुलाई से, और अभी जयपुर ट्रैफिक पुलिस समझाइश कर रही है और एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि आमजन को नई जुर्माना राशि के बारे में जागरूक किया जावे, उनको जानकारी दी जावे और इस अभियान के पश्चात चालान की कार्रवाई भी शुरू होगी। केंद्र सरकार कानी से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल ने बीमा करवा रहा है। योजना के तहत किसान ने अपनी फसल रो बीमा करावा खातर खरीफ में 2% और रबी री फसल में 1.5% प्रीमियम राशि देनी वेली। योजना में प्राकृतिक आपदावा रे चलता फसल री उचित बीमा राशि किसान ने मिल रही है। बीमा योजना जिसके अंतर्गत अगर किसान की फसल नष्ट हो गई तो उसका आप संबंधित बीमा कंपनी है उसको आप 72 घंटे के अंतर किस जो फसल आपकी नुकसान हुआ उसकी जानकारी देनी ज़रूरी है। उसके बाद में आप जो संबंधित अधिकारी है वो आपके फील्ड में आएंगे और आपके फसल का नुकसान का जायज़ा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप किसान को जो बीमा है वो दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जैसे आज अगर आपकी फसल को नुकसान हुआ तो 72 घंटे के अंदर किसान को उस बीमा कंपनी को अवगत कराना पड़ेगा।
बूंदी में आज जिला स्तरीय वन महोत्सव रो आरंभ हुयो। सर्किट हाउस स्थापित बीटी उद्यान में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियां पौधारोपण कर ग्रीन बूंदी ने अर्ग्रीन बनावा री शुरुआत करी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा बताया कि इन बार बूंदी जिला में 3 लाख पौधा लगावा रो लक्ष्य रखियो गयो है, जिनसु आमजन खातर भी पौधा वितरित कराया जावेला। इन काम में स्काउट गाइड और दूजा छात्र छात्राओं रो सहयोग लियो जा रहा है। जैसा कि आपको पहले से पता है, वन महोत्सव जो है पूरे राजस्थान में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में हमारे जिले बूंदी में आज जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस में काफ़ी खाली जगह है, वहाँ पे ये प्लांटेशन का प्रोग्राम किया गया है। कई पौधे जो है आज यहाँ लगाए गए हैं और सभी विभागों पर ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगले 15 दिन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में पौधारोपण किया जाए। जिस तरह से बढ़ चढ़ कर लोग ये पौधे लगा रहे हैं, तो इसी तरह से मैं सभी सरकारी कर्मचारी और बूंदी जिले के निवासियों से मेरा निवेदन करूंगा कि सभी एक एक पौधा लगाएं और ये लगाए हुए पौधों पर लगातार पानी मिलता रहे। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, ज़मीन बहुत अच्छी है और पौधों का जीवन में क्या महत्व है इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और बूंदी पहले ग्रीन है, इसको और ग्रीन रखेंगे। ये जो वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव के तहत पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 15 जुलाई से ये उत्सव मनाने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना में उनके द्वारा सरकार के सभी विभागों को इसमें कोऑर्डिनेट करके ग्रामीण क्षेत्र में चरागाह विकास के हैं, आपका खेत विकास के हैं, बागवानी विकास, सारे कार्यों में मिलाकर अच्छे से इसको करना है। उसी की दिशा में आज ये जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ से हुआ है। दौसा जिला रा देवनगरी इलाका में रिहायशी क्षेत्र में घुसिया पैंथर के कारण स्थानीय वासिंदे पिछले एक सप्ताह से दहशत में हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर सीसीटीवी में कैद हुआ पैंथर रा मूवमेंट रे पछे कई दूजा इलाका में भी इन्हें देखा जावा रा कुत्ता रा शिकार सु इन इलाका में आम लोगों रो आनो जानो प्रतिबंधित है। वन अधिकारियों का निशु जयपुर सु पिंजरा मंगार देवगिरी पहाड़िया माथे लगायो है। वन अधिकारियों रो कहनो है कि पैंथर ने पकड़वा रा प्रयास अर तेज कर दिया गया है। प्रदेश में मानसून रा दौर चलता कार राजधानी जयपुर अनेक स्थानों माथे जोरदार बिरखा भी करीब एक घंटा भी झमाझम बारिश सु कई सड़क माथे पानी भर गयो। सड़क माथे पानी भराव सु यातायात भी बाधित हुयो। लाडला 24 घंटा रे दौरान सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर और उदयपुर में कई ठोरा माथे बारिश हुई। मौसम विभाग रा निदेशक GS नागराले बताया कि आगामी 5-6 दिन में राज्य में मानसूनी गतिविधियां में बढ़ोतरी रे चलता प्रदेश रा उदयपुर और जोधपुर संभाग रे कुछ एक ठोरा माथे भारी बिरखा हो सके है। डीडी राजस्थान मळे सगार प्रसारित सगड़ी खबर आप माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताजा खबर ताणी माका ट्विटर हैंडल @DDNews राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अभी मुख्य समाचार एक बार फेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में तैनात जवानों से करी मुलाकात, कया देश रा स्वाभिमान सु किनी भी हालत में नहीं करया जावेला समझौता। राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट समेत 19 विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष कानीसु भेजा गया नोटिस माथे हो रही है सुनवाई। हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायक माथे आज संजय 5 बजे ताई कार्रवाई नहीं करवाने कया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कया राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीका से चुनी की सरकार ने गिराबारी हो रही है कोशिश, राज्य सरकार कानीसु ऑडियो टेप प्रकरण में SOG में दर्ज कराया गया मुकदमा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया कया राजस्थान सरकार ने कने बहुमत है तो वे क्यों कर रही है सियासत। और प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण रहा 159 नवा मामला आया सामने, मरीजों की संख्या पहुंची 27,000 पार, संक्रमण से रिकवर हो वाला मरीजों की संख्या भी 20,000 पार। दूरदर्शन समाचार में आवारित तो ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।